हेलो। हाँ सौरभ, उर्मिला बात कर रही हूँ। मितपत है क्या? नहीं, क्योंकि वो सुबह से घर पे नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे लगा तेरे घर पे आया होगा व्यूज़ लेने के लिए। चल मैं रखती हूँ, बाय। स्लीप पॉइंट को करूँ क्या? उनसे यार बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। अभ्युदय को करती हूँ। हाँ अभ्युदय, हेलो, उर्मिला बात कर रही हूँ। मिथिलेश है क्या? समझ में नहीं आ रहा है रे, ज़रा पूछना किसी को तो, अगर तेरे को पता होगा। थैंक यू, चल बाय। ओह शिट, मिथिलेश कहाँ पे है तू? सुबह से घर पे नहीं आए, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैं सबको फ़ोन ट्राई किया, मेरे को भी बहुत डर लग रहा है। भगवान प्लीज़ बचाओ उसको। हेलो, वेयर आर यू? हाँ क्या होगा मिथिलेश को? हाँ हाँ ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। क्या 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 हेलो गाइस, हाँ मैं सैड हूँ अभी, क्या कर सकती हूँ। बट वीडियो चालू करने से पहले गाइस, क्या आप एक लाइक मार सकते हैं मितपत को श्रद्धांजलि देने के लिए? वो वर्ड भी नहीं आ रहा है ठीक से, बट एक बार टेक देती हूँ वापस। गाइस क्या आप एक लाइक मार सकते हैं मिथिलेश को श्रद्धांजलि देने के लिए? और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। वो मेरे को अभी पैसा लगेगा, वो गुजर चुका है तो पैसा लगेगा मेरे को। अगर आप लोगों को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मितपत टोइंग हो चुका है, ये वीडियो देखो अभी आप। मितपत इज नो मोर, बहुत जल गए थे। सॉरी मिथिलेश, क्यों गया तू मुझे छोड़ के? और तुझे छोड़कर जो तुम आओगे बड़ा पछता। गाना गलत गाया क्या मैंने? तू इसे कैसे इधर आ गया? चुप रह, एक्टिंग बंद कर। वो गाना क्या था? ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। गलिया गलिया छोड़ बीच रोल ना गई, हुए किसे होर वो ना गई। ओ मुझे जानत रुलाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। हेलो गाइस, मैं जिंदा हूँ, हाय। ये कल गाइस रैंडम ना मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग टैग करने लगे, मितपत भाई आप जिंदा हो क्या, मितपत भाई जिंदा हो क्या। मैं रुका था, मालूम है इसने सबको मार दिया है, इंडिया के सब बड़े यूट्यूबर्स को इसने एक बार तो कत्ल कर दिया है। हाँ? मेरा कभी इसने कत्ल नहीं किया था, तो मैं इस वीडियो के लिए रुका था। नहीं रहे मितपत, दुआ रहे कुछ तो। मेरा बिल्डिंग ब्लास्ट हो गया है। बाकी सब यूट्यूबर्स का देखना, सौरभ के ऊपर वीडियो बनाते 60,000 व्यूज, इधर 40,000 व्यूज, 80,000 व्यूज, 154K views, मितपत 27,000 views। हाँ ना, किसी को पड़ी नहीं है तेरी। उर्मिला देखते तू ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती की है। गाइज अभी अभी काफी बड़ी खबर निकल करके सामने आई है मितपत के बारे में। वो बहुत बड़े यूट्यूबर थे, बट गाइज बहुत बड़ा यूट्यूबर तो मैं हुई, वो तो बरार बोल रही है। वो हमारे बीच में नहीं है एंड वो हम सब लोगों को तो बिल्कुल स्वस्थ थे यार, लेकिन ऐसी चीजें एकदम से हो जाती है। सो भाई प्लीज यार, थोड़े से अपने विवेक से काम लेना गाइस। मैं विवेक, हाँ मेरी बात हो रही है वहाँ पे, मतलब तूने देखा कर रही है, उसने आंसू भी एक्टिंग कर रही है। हाँ, उसने आंसू भी निकले, तूने देखा क्या? उर्मिला वो असली आंसू है, समझी ना, मितपत नहीं है इस दुनिया में। सॉरी, आंसू निकाला मतलब क्या? सॉरी, मजाक उड़ा रहे मितपत का? अरे सॉरी, श्रद्धांजलि दे उसको तू। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा सच में। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आपको बताने के। बहुत बड़ा इच्छा है इसके घर पे जाने का, इसका जो व्हाइट बोर्ड है ना, ये उठा के ऐसा तोड़ से तोड़ने का मेरे को। मुझे तुझे एक्चुअली पूछ रहा है, ये प्रवचन देगी मितपत क्यों नहीं रहा, इसके पॉइंट्स बनाने वाले हैं क्या ये व्हाइट बोर्ड पे? ओ माय गॉड, दिस इज एपिक। लिए कि आखिर एग्जैक्टली मितपत के साथ क्या हुआ था। सो मेरी उनकी गर्लफ्रेंड से बात हुई है, उनकी गर्लफ्रेंड ने क्या मैंने बात वगैरह कुछ नहीं की है तुझसे, तू क्या बोल रही है? मिला, तू ही असली सांप है ना? अरे नहीं, मैंने बात करी है पायल जोन के साथ।
वो बोली तू बात कर रही है, वो झूठ नहीं बोलती। कब बात किया है तुझसे मैंने? वो झूठ नहीं बोलती। उनकी गर्लफ्रेंड ने जितनी चीजें मेरे को बताई है वो सब कुछ सच सच मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। कुछ नहीं बताया मैंने उसको। बुरा लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए, बट गाइस आपको भी सच जानना जरूरी है। तो दिस इज सो मच झूठ यार गाइस। गाइस ये नेक्स्ट लेवल झूठ है। मजा आता है इसको झूठ बोलने में, बहुत पकाने में एक्सपर्ट है एक नंबर के। अभी मेरा ऐसे दिमाग ऐसा वो फूट रहा है, ऐसा धुआं आता है ना वैसे फूट रहा है। सबसे पहली बात, जितने भी यूट्यूबर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं मैं सबसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि भाई यार वीडियो के चक्कर में अपनी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना बंद कर दो। और किसी के मौत का वीडियो मत बनाओ किसी के मौत पे, वो भी गलत है। वही व्यूज आ रहा है तो प्रॉब्लम है कि व्यूज भी नहीं आ रहा मेरे मौत पे वीडियो बना के, तो क्यों मार रहे मेरे को यार। वीडियो बनती रहेगी जिंदगी भर, लेकिन यार एक बार जिंदगी चली गई ना तो वो वापस नहीं आती है। मेरे को लगता है ना इसके सामने एक आईना होता है और ये आईने से बात करती है। प्लीज ऐसा मत किया करो, वीडियो के चक्कर में ही मिथपैट के साथ ये सब हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक वीडियो बनाने के चक्कर में। एंड भाई मैं बताऊँ, मिथपैट की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी ना, वो पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा अलग थे। इतनी ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी उनकी थी कि वो कुछ भी बना दे तो सब लोग देखते थे, क्योंकि उनका एक काफी बड़ा फैन बेस है। वो कोई भी गेम खेले तो सब लोग देखते थे क्योंकि सब लोग उनको देखना चाहते थे। फिर भी और ज्यादा व्यूज के चक्कर में उन्होंने कुछ अलग करने के चक्कर में मतलब ये सब कर दिया। और अब किया क्या तूने, ऐसा अलग क्या किया जिससे तेरी मौत हो गई, जिससे मैं अभी तक विधवा नहीं बट विधवा होने का एक्टिंग तो कर सकती हूँ। गर्लफ्रेंड ने जितना मेरे को बताया है, तो वो एक वीडियो बना रहे थे मिथपैट, जिसमें वो अपने सारे के सारे डर जो है, जितने भी मिथपैट के डर है ना, उसको वो ओवरकम करना चाहते थे अपनी उस वीडियो के अंदर। तो उन्होंने शायद अपने 7 डर सिलेक्ट किए थे जिन चीजों से उनको सबसे ज्यादा डर लगता है। तो अरे मेरे को तुझसे भी बहुत डर लगता है, इससे भी बहुत डर लगता है, दैट्स ट्रू। और मेरे को कुत्तों से डर लगता है, और किस चीज से डर लगता है मुझे? और मेरा तेरे को कॉकरोच, चूहे, वो लिजार्ड, बटरफ्लाई। जो डर वाली वीडियो बना रहे थे उसमें से एक डर था कि उनको ईयर पर्सिंग से बहुत ज्यादा डर लगता था। कान ईयर क्या क्या तो अपनी एक थे जो बना रहे थे उसमें से एक डर था कि उनको ईयर पर्सिंग से बहुत डर लगता था, कान छिदवाने से बहुत डर लगता था। कान छिदवाने से डर लगता है गाइस। ए मैं ना सोनार हूँ, सोनार, मेरा कान ना ऑलरेडी छिदवा हुआ है। हाँ ये देखो, ये देखो गाइस, मेरा कान ऑलरेडी छिदवा हुआ है, दिख रहा है तुम लोग को, एक होल है यहाँ पे। हम डरते नहीं है। तो मिथपैट ने कान छिदवाया था अपनी उस वीडियो में अपने डर को दूर भगाने के लिए। और उसी वीडियो में जो एक और डर था वो ये था कि मिथपैट को ऊंचाई से काफी ज्यादा डर लगता है। इसको कैसे समझा? मैं खुद ऊंचा हूँ इतना, और मुझे ऊंचाई से डर लगता है। नाइस, इसको तेरे से डर लगता है बिकॉज़ तेरी ऊंची इतनी ऊंची है। यस, अभी तो पकाना बंद करेंगे। हाँ देखे अभी आगे की बड़बड़ करने वाले। हाँ, 2 मिनट में। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, चालू कर। तो ऊंचाई का डर भी वो दूर करना चाहते थे उसी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उस डर को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि वो एक बहुत ज्यादा ऊंची जगह पे जाके खड़े हो गए और वहां से उन्होंने छलांग लगा दी। मतलब आप ये देखिए कि उन्होंने ज्यादा कोई सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा, ज्यादा कोई अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा, वो डायरेक्ट एक ऊंची जगह पे गए और वहां से छलांग लगा दी। मैं जाऊंगा ऊंची जगह पे, पैराशूट नहीं पहनूंगा, कुछ नहीं पहनूंगा, डायरेक्ट जंप मारूंगा, क्योंकि तेरे को मजा आता है। मजा आता है मेरे को, व्यूज चाहिए, 10 मिलियन व्यूज चाहिए, इसके वजह से मैं जंप मारेगा बिल्डिंग के ऊपर से। नाइस, ऊपर से वो जब नीचे कूदेंगे तो उन्होंने बीच में एक जाली लटका दी थी कि वो उस जाली के ऊपर ही गिरेंगे, इधर उधर नहीं गिरेंगे। पकाते कैसे है ना, कोई इनसे सीखो, मतलब इतना अच्छा हम लोग कहानी बता सकते हैं। आई रिमेम्बर, ओके, मैं जब बचपन में छोटा था मैं मम्मी को बताता था, मम्मी मेरे को कहानी बताओ, मम्मी एक दिन मेरे को लायन का कहानी बताती थी, एक दिन चूहे का कहानी बताती थी, और तीसरे दिन मम्मी बोलती थी मेरे पास नया कहानी नहीं है। पायल सुन, हर दिन नया कहानी बना सकती है। इसके कहानी बनाने की स्किल्स तेरे बहुत ही तगड़े हैं पायल, इतना तो बोल सकती हूँ। मतलब ट्विस्ट, जाली का ट्विस्ट उसने बीच में लाया, मेरे को लगा कूद गया तो मर गया नीचे जाके। लेकिन पता नहीं भाई हवा की वजह से ये हुआ या फिर किस वजह से हुआ कि जब वो ऊपर से बिल्डिंग से नीचे कूदे तो वो जाली के ऊपर गिरे ही नहीं, वो एकदम जाली के साइड एकदम नीचे धरती में गिरे। जिसकी वजह से वो जो बिल्कुल फर्श था उसके ऊपर उनका बिल्कुल सर टकरा गया था, जिसकी वजह से पूरा सर, आप कह सकते हैं कि उनका पूरा सर फट गया, जिसकी वजह से ये सब ऑन द स्पॉट गाइज ये सब हो गया, एंड ऑन द स्पॉट वो हम लोग को छोड़ के चले गए। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि यार देखो यार, ये सब वीडियो के चक्कर में ही तो हुआ है ना, बस वीडियो के चक्कर में यार, तो ऐसे मत क्या करो भाई, और भी बहुत सारे तरीके हैं। वीडियो मेरा रो रही है ये। हाँ। उसके आंसू देख, आंसू निकल रहे हैं। भाई वही बोल रहा है, एक्टिंग अच्छा करती है एक्टिंग। मेरे को शाहरुख खान
ओके सो गाइस, अभी तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है ये बातें एक्चुअली मैंने कहीं पे सुनी थी। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक बंदा इस तरीके की बातें बोल रहा था कि मिथपैट अब हमारे साथ नहीं रहे हैं। एंड वो पहले तो बोली इसने मेरे को पूछा और अभी बोल रही है किसी वीडियो में देखा। मिथपैट एक्चुअली एक दो हफ्ते से अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़े बिजी हैं। और वो इसने तेरे को इस वीडियो में मारा और वापस जिंदा भी किया। दैट इज असली ओम शांति ओम इधर चालू है। क्रेजी, यू आर क्रेजी। अब जो रेगुलर वीडियो नहीं आ रही है तो इसकी वजह से कुछ लोगों को लग रहा है कि पता नहीं मिथपैट के साथ क्या हो गया, क्या वो हमारे बीच में है भी या नहीं है। तो इसीलिए कुछ लोग आके इस तरीके की जो है बिना सेल्फ की वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि मिथपैट हमारे बीच में नहीं रहे हैं। इसीलिए किसी ने वीडियो नहीं बनाया ये देखने के बाद ना मैं गया यूट्यूब पे देखने के लिए कि और किसी ने ऐसा वीडियो बनाया क्या जिसमें ये लोग ऐसा कहानी बता रहे जिसमें मैंने बिल्डिंग से जंप मारा और मैं टपक गया। किसी ने कुछ नहीं किया है, ये खुद बनाते हैं स्टोरी फिर दूसरे पे नाम नकल देती है। हमारे बीच नहीं है क्योंकि उनके चैनल पे वीडियो नहीं आ रही है। तो भाई उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब से ब्रेक ले रहे। इसको मालूम, मुझे क्या मालूम। नहीं, मैं कहना चाहती हूँ गाइस, आप सभी लोगों को ये असली कंटेंट है। हाँ, मतलब तुम लोग ना मिस्टर बीस क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मतलब 100 मिलियन डॉलर देने का लोगों को, एक सर्कल में किसी को तो डालने का और उसको बोलने का कि इधर रुकने का 50-50 घंटा, पागल है क्या, पागल है क्या। मिस्टर बीस जाके प्यूडीपाई को मार दे, फिर देख कितना व्यूज आता है तुझे। एक वाइट बोर्ड लगा देगा पीछे, मिथपैट इज नो मोर, लाली इज नो मोर, बनाने का वीडियोस गाइस। नहीं नहीं, तुझ पे नहीं आएगा वीडियो क्योंकि मुझ पे इतना कम व्यूज आया तो तुझ पे तो और कम व्यूज आएगा। अरे वो भी बराबर, तुझ पे नहीं बनाएगी गाइस, ये असली कंटेंट है। गाइस सुनो, मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस वीडियो को अगर प्लीज एक लाइक कर दो। अगर इस वीडियो पे बहुत लाइक्स आया ना, मालूम नहीं कितना बहुत, तो मैं इसके घर पे जाके इसके पीछे का जो व्हाइट बोर्ड है ना वो लूंगा और उसको बिल्डिंग से फेंक दूंगा। मतलब व्हाइट बोर्ड को, उसको नहीं, मेरा 1 लाख का व्हाइट बोर्ड मिथपैट ने ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं उर्मिला, वो वीडियो बनाएगी कि सौरभ जोशी, क्योंकि सौरभ जोशी के नाम से ज्यादा व्यूज आएगा, तो सौरभ जोशी ने मेरा व्हाइट बोर्ड तोड़ दिया। पर वीडियो में क्या बोलेगी, मिथपैट ने मेरा व्हाइट बोर्ड तोड़ दिया लेकिन सौरभ जोशी मिथपैट का बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए सौरभ ने मिथपैट को जाके बोला कि मेरा व्हाइट बोर्ड तोड़ो। तो एक्चुअली किसने तोड़ा, सौरभ जोशी ने। यस, एंटरटेनमेंट अगर मेरे को चाहिए तो पायल जोन का चैनल गाइस सब्सक्राइब करो। क्या बोल रही है, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा गाइस, उस पे क्लिक करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। अरे मैंने वही बोला ना अभी। अरे हाँ, चैनल पे नए हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन। अरे मैंने वही बोला अभी, लाइक का, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ये वीडियो फॉरवर्ड करो ज्यादा से ज्यादा। कुछ मत करो, इतना सब करने की जरूरत नहीं, छोटा 2-3 चीजें किया तो बस हो गया। एनीवे गाइस, बाय बाय, सी यू, टाटा। यस।